वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माँ भवानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, सोने के कलम से लिखा गया आपका भाग्य। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अब आपके 5 सपने सच होकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से बदल चुका है। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य के देवता भगवान शनिदेव आपके भाग्य को ही बदल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने हाथों से आपके भाग्य को सोने के पत्र में लिख दिया। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके पिछले किए गए कर्मों को देखकर, पिछले किए गए मेहनत को देखकर न्याय के देवता भगवान शनिदेव आश्चर्य हो गए और उन्होंने खुद अपने हाथों से आपके भाग्य का नए द्वार खोल दिए। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आपकी अच्छाई का बही खाता खुल चुका है। अब आप जिस तरह से मेहनत करेंगे उस तरह से आपको सफलता मिलेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, पिछले समय में आप मेहनत बहुत करते थे लेकिन उनका परिणाम आपको सही से नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, अब सब कुछ बदल चुका है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मों के जो फलदाता है न्याय के देवता, उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि मेहनत करने वालों का पूरा पूरा अधिकार, पूरा पूरा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव ही इंसान के कर्मों को बनाते भी हैं और इंसान के कर्मों को बिगाड़ते भी हैं। दोस्तों, न्याय के देवता कर्मों के आधार पर फल देते हैं। आप कैसे भी हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अपने किए गए कर्मों का फल, जो है मेहनत का फल, जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वह सपना सच होगा जो सपना आपका बरसों से अधूरे पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आपको वही गलतियां नहीं करनी है जिन गलतियों से आप अपने भाग्य को खराब किए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरह से भाग्य अब आपका साथ देने वाला है, किस तरह से भाग्य का उदय होने वाला है, आपके लिए कौन कौन से चीज़ें पॉजिटिव लेकर आने वाली हैं और किन किन चीज़ों में बदलाव होंगे, किन किन चीज़ों में सुधार होंगे, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे। सबसे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय दंडाधिकारी लिखेगा, उन्हें भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, साथ साथ गुरु जी का भी सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके राशिफल से। वृश्चिक राशि वालों, पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के दौर से गुजर रहे थे, अंतत उससे अब बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगा। यह भी आप समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को ही बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे। आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा धीरज की आवश्यकता होगी। बहुत सारे मुद्दे पर बात ना करें क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति जो है भंग हो सकती है। यहाँ तक बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी भंग विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज आप चुप रहना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय होगा। जितना ज़्यादा छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। शांति बनाए रखकर अपने संबंधों की सहन शक्ति में विश्वास रखें, मुश्किल समय भी आपका गुजर जाएगा। अगर कोई समस्या है, कोई अगर दिक्कत है तो आपको बस शांति बनाए रखना होगा। इस समय कोई भी जवाब ना दे क्योंकि ये समय बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं
लेकिन इस खर्चों पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही समय है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय के लिए अधूरे थे उन्हें पूरा करना भी आपके लिए उचित समय आ गया है। इस समय पेंडिंग पड़े कार्यों को आप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से वह कार्य आपका सफल होगा। आज आप अपनी जो है बचत और परिसंपत्ति की एक पूरी रुचि के साथ बैठें और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रही है। सितारे कहते हैं समय अभी आपके पक्ष में है, आपको कहीं से गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा जो कि पूरा परिवार खुश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज ग्रहों की दशा आपको शांति तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफ़ी कठोर ढंग से अपनी प्रकृति दिया है, लेकिन अब मानसिक रूप से काफ़ी शांति स्थिति में सुलह करने और संबंध को सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को और दूसरों को भी एक मौका ज़रूर दें। यही सबसे बड़ा अच्छा उपाय है और इसी में आपको खुशी मिलेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और आप अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। इससे आपकी पहला कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा दिन भी है और शाम तक दांत में थोड़ी बहुत समस्या या फिर कंधों में, सर में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, आपको इसे नज़रअंदाज कर देनी है। कुछ समय के लिए चलेगा, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। और अपनी अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जितना हो सके अपने घर का ही बना शुद्ध भोजन करें। बाहर के जो है फास्ट फूड या फिर तला गाना जो है तेलीय पदार्थ खाने से अभी आपको बचना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफ़ी गंभीर रहेंगे और संभावना यह है कि यह रिश्ता काफ़ी लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको प्यार करेगा और आप भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती है। इसके साथ ही आप कुछ अन्य अप्रत्याशित स्थितियों का भी संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई रिश्ता है तो वो लंबा तभी चलेगा जब उसमें गलत फहमियाँ न आने देंगे तभी। इनसे आप जरा बचकर रहिएगा, अन्यथा ये इतनी बड़ी बीमारी है कि बड़े बड़े रिश्तों को भी ये खराब कर देती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी सकारात्मक या देखिए ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकती हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी के साथ आज कदम से कदम बढ़ाकर चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बताना चाहेंगे माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। माता पिता के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे आपको कई समस्याओं के भी समाधान मिलेंगे।